खबर पन्ना की अमानगंज से है, जहां अमानगंज थाना परिसर में आज बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आज अमानगंज थाना परिसर में प्रदर्शनकारियों ने 2 बजे पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और पथराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस ने पूरी ताकत के साथ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और सड़क पर रखी बॉडी को उठाकर चाका ग्राम पहुंचाया। यह पूरा मामला चाका ग्राम से जुड़ा है, जहां 22 तारीख की रात्रि के समय महिला के साथ मारपीट हुई थी, जो महिला की आज जबलपुर इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो आइए आज जानते हैं पूरी खबर क्या है, पूरा घटनाक्रम विवरण के साथ। दरअसल मामला मानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चाका ग्राम का है, जहां 22 तारीख की रात्रि 9:30 बजे अंधविश्वास के चलते प्रजापति समाज के लोगों ने महिला घसुटियाबाई निवासी चाका के साथ मारपीट की थी। मारपीट शादी विवाह में दिए गिफ्ट को लेकर हुई थी। आरोपी प्रजापति परिवार का कहना था कि घसुटियाबाई द्वारा मेरी बच्ची की शादी में जो गिफ्ट दिया था उसमें भूत प्रेत बाधा भेंट की हैं, जिसका विरोध घसुटियाबाई द्वारा किया गया और विरोध करने पर आरोपी प्रजापति परिवार ने महिला घसुटियाबाई एवं उसके चाचा को रस्सियों से बांध कर मारपीट कर दी एवं महिला की हालत गंभीर हो गई। और महिला को हालत गंभीर देखते हुए परिजन अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां महिला को प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया और पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट के अपराध पर मामला दर्ज किया था। मगर महिला की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे जबलपुर इलाज के लिए ले गए, जहां जबलपुर में महिला की आज दिनांक 26 जून की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने 26 जून की दोपहर 2 बजे चौधरी समाज के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अमानगंज थाने का घेराव कर दिया और आरोपियों पर 302 का मामला दर्ज करने की मांग रखी। पुलिस ने आरोपियों पर 307 का मामला दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, मगर परिजन प्रदर्शन पर अड़े रहे और 302 की मांग करते रहे, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिस पर पवई SDOP रक्षापाल सिंह यादव अमानगंज थाना पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, मगर प्रदर्शनकारियों ने बात मानने से साफ इनकार कर दिया और प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर बाद शाम 5 से 6 बजे के बीच थाना परिसर से निकलकर थाना तिराहे स्टेट हाईवे 10 को जाम कर दिया और कुछ देर बाद महिला की लाश जबलपुर से अमानगंज पहुंची, जिसे प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर लाश रखकर मानवता को शर्मसार कर दिया और लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग रख दी। जानकारी मिलने पर अमानगंज तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी SS तिवारी मौका स्थल पर पहुंचे और थाना प्रभारी विजय कुमार हरवार के साथ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, मगर प्रशासन समझाने में नाकाम रहा और उपस्थित लोगों की भीड़ उग्र होती रही। भीड़ को उग्र होता देख पुलिस ने देर शाम 7 बजे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी और एकाएक प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़क से भाग खड़ी हुई। तब तक गुनौर SDM सुरेश कुमार गुप्ता मौका स्थल अमानगंज पहुंचे। पुलिस ने सोचा कि भीड़ मौका स्थल से भाग चुकी है। पुलिस ने सड़क पर पड़ी लाश को पुलिस वाहन में रखा और ले जाने की कोशिश की, तभी सड़क पर छुपी भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और पत्थर लेकर पुलिस वाहन एवं पुलिस पर हमला बोल दिया। पथराव देख पुलिस को जान बचाने के लिए वापस लौटना पड़ा, मगर पत्थरबाजों ने थाना परिसर पर पथराव शुरू कर दिया और कुछ देर बाद भीड़ शांत हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरे दल बल के साथ बाहर निकला और प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में कामयाब हुई। उसके बाद भारी पुलिस बल के साथ लाश को गृहग्राम चाका पहुंचाया। इस पूरे घटनाक्रम में वह हुआ जो नहीं होना था, जहां प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी बर्बरता पूर्वक प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजी।